हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है आम बजट के नाम से, हरियाणा के बजट के नाम से, क्या अपेक्षा करते हैं आप इस बजट से और सरकार से? हम देखिए दीपक जी, हरियाणा हम लोग, मैं गांव में रहता हूं और मेरा गांव महेंद्रगढ़ से नजदीक, हम दक्षिण हरियाणा के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पिछले 8-9 साल में हमारी बड़ी अनदेखी हुई है। हमारा इलाका राजस्थान के साथ लगता हुआ बालू रेत का इलाका है। मेरे जिले में कम से कम 500 गांव ऐसे हैं जो पीने का पानी नहीं है। मैं कभी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर था तब हमने और ये कैनाल बेस के ऊपर वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई थी। ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा रहती है के ये नांगल चौधरी का इलाका, ये नांगल सरोई से पलपाल बैरावास गडानिया का इलाका, ये नारनोल का इलाका, ये हमारे यहाँ जमीन के नीचे का जो जल स्तर है वो 1200 फुट पर भी नहीं है, 1400 फुट पर भी नहीं है। हमारा किसान लगभग पलायन करने वाला है। और ये तो बरसात हो जाती है पिछले 2-3 साल से, ताकि हम सरसों की, चने की, गेहूं की फसल उगा लेता हमारा किसान, और बारिश के कारण हमारी जो किसान सरदारी है वो जिंदा है। परंतु हुड्डा साहब ने कमाल किया हुआ है, दादरी से लेके महेंद्रगढ़ तक, महेंद्रगढ़ से लेकर के नारनोल तक, नारनोल से लेके रेवाड़ी तक, रेवाड़ी से लेके महेंद्रगढ़ तक, ये रास्ते ऐसे हैं कि सारा जो पत्थर है वो हमारे इस इलाके से जाता है, राजस्थान से आता है। 10 टायर वाले ट्रक जो हैं, उन्होंने भी अब रास्ता बदल लिया है। राजस्थान से लेके बंबई से लेके गुजरात से लेके पंजाब जाने वाला, जम्मू कश्मीर जाने वाला, हिमाचल जाने वाला, सारा जो ट्रैफिक है वो महेंद्रगढ़ होके जाता था। परंतु पिछले दिनों से सड़क की हालत ऐसी खराब है, और पिछले दिनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे राव वंशी सिंह की पुण्यतिथि पर आए, लोगों ने शर्त रखी के हुड्डा साहब यदि सड़क से आ जाए, दादरी से आ जाए, महेंद्रगढ़ से आ जाए, नारनोल से आ जाए, तो लोगों ने लाखों रुपए की शर्त लगा रखी थी, क्योंकि रास्ते इतने खराब हैं। और वो आए नहीं, फिर हेलीकॉप्टर से आए के चले गए। तो हमारे इलाके के साथ यदि संक्षिप्त में मैं कहना चाहूं, बिजली के मामले, पानी के मामले, रोजगार के मामले और हर तरह की सुरक्षा शांति के मामले में अहिरवाल का इलाका, हमारा दक्षिणी हरियाणा का इलाका, हुड्डा साहब की सरकार में बड़ा भारी उपेक्षित है। अब तक तो हम बीजेपी के लोग कहते थे, अब तो सैलजा कुमारी ने, जो भारत सरकार मंत्री है, उन्होंने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी कि मेरे इलाके के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। अभी बावड़ में मुख्यमंत्री जी गए थे और बावड़ से जो मेंबर पार्लियामेंट है राव इंद्रजीत सिंह, वो उस रैली में नहीं गए, और उन्होंने कारण बताया कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ मुख्यमंत्री भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट कहे, कांग्रेस की मंत्री कहे भारत सरकार की, तो हमारा जो आरोप है मुख्यमंत्री के ऊपर कि पूरे हरियाणा के साथ पक्षपात करते हैं, पूरे हरियाणा के संसाधन एक तहसील में रोहतक में लगाने से कुछ नहीं होगा। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। तो इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं, इस बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हुड्डा साहब की सरकार के बजट से हम दक्षिण हरियाणा के लोगों को, बाकी हरियाणा के लोगों को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार है, ये उनको रियायत देगी जो पहले से भरे हुए हैं, जो पहले से प्रॉपर्टी डीलिंग में, पूरी सरकार प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार है, इससे हम हरियाणा के लोगों को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है।